बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र हर्रेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और भी सभी वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। मैं सबका नाम तो स्मरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुराने सभी साथियों का आज मिलन और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सब अन्य महानुभाव जो यहां आए हैं, जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उमगेश्वरी माता और देवकुंड के ये पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। रौनी सबके प्रणाम करी थी। भगवान भास्कर के कृपा रहुआ सब पर बनल रहे। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बेटा 4-लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है।
ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है, इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं, आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग, जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का यह आंदोलन, इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में
नागार्जुन की गुफाओं तक का पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था, बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा, और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है, ये बिहार की सकारात्मक सोच है, ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में
शांति और कानून व्यवस्था का राज, ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार, ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। आज विकास का उत्सव है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आपके सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, ये विकास का उत्सव मनाइए। सब दूर जो दूर दूर है वो भी करें, हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकाले, ये विकास का उत्सव मनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।